हेलो स्टूडेंट्स, शिफ्टेड वी आर लाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3 केशव भाई मॉलिक्यूल्स पार्ट 20। टुडे आई विल डिस्कस सम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच इज रिवाइज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक रिवीजन के फॉर्म में दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाए होंगे, विभिन्न रीजन रहा होगा, इन रीजन तो उसके लिए आप थोड़ा सा नोट्स भी बना लेंगे, और जो स्टूडेंट्स को बना चुके हैं अपना रिवाइज के फॉर्म कर देंगे, जो असाइनमेंट उनको क्वेश्चन उनको दिया जाएगा उसको वो कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट जो है ये सब कुछ जो भी आपको दिया है सब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड किया गया है उसको रखा गया है। हमें क्या करना है, वही एक डिफिनेशन लर्न कर लेना है और उसके एलिमेंट के जो है एटॉमिक मासेस से उनको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे डिफाइन किया गया, कैसे बनाया गया, ये कंसेप्ट को दिया जा रहा है। तो फर्स्ट है एक्चुअल मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हम सब जानते हैं कि जो एटम है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिसको मैटर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज ए मास, हाइड्रोजन है जो एटम है जिसका मास मास क्या 1.673 इंटू 10^-24 ग्राम, और छोटी क्वांटिटी अभी 1.00000 ऐसे छोटी स्मॉल है, तो वो याद रखा 0.00001673 ग्राम। ठीक है, इसको इस बार बनाया गया। सो इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज सच स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर इन आवर कैलकुलेशन, इतना डिफिकल्ट है हम कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो इट वॉज नेसेसरी टू डिफाइन एटॉमिक मास सच वे दैट वी गेट सिंपल फिगर फॉर द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ कार्बन 12। ये कह रहा है कि एटॉमिक मास को डिफाइन करने की मनी कह रहे हैं कि कार्बन 12 एटम है क्या। ठीक है, तो कार्बन 12 एटम क्या है, रीड एज कार्बन 12 एटम सी 12 सी 12 आपको लिखा है, इसको हम कहते हैं कार्बन एटम, कार्बन एटम हो गया और 12 आपका जो मेटल 12 एटम हो गया, ये कंसेप्ट याद रखना है कार्बन 12 एटम। सो कार्बन 12 एटम इज दैट एटम which has 6 proton, 6 neutron in its nucleus, so that its mass number is 12. ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन, अब इन दोनों का सम ठीक है 12 जो होता है उसका मास नंबर ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनका मास का सम जो हमारा एटॉमिक मास के रूप में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूलर मास के रूप में। ठीक है, तो एटॉमिक मास होता है जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन के रूप में। कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन जो है 12 को जो बनाया गया है ताकि एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट जो कार्बन का कंसीडर किया है। एटॉमिक मास यूनिट एज अर्लियर रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एएम, इसके स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट है एएम यू एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको स्टार्ट करके और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया गया वो यू बनाया गया स्मॉल। ठीक है, बट दीज द एटॉमिक मास यूनिट डेवलप्ड बाय द लेटर यू, जैसे जैसे डेवलप हो गया मॉडिफाई किया गया तो ये अब स्मॉल यू का कंसेप्ट दे दिया गया। ठीक, सो दिस दैट कार्बन 12 एटम हैज द साइन एटॉमिक मास इज एक्चुअली 12 ग्राम, 12 ग्राम जो कंसीडर करते हैं अब हमारा हो गया 12 U, ये नोटेशन के बाद में यूनिट के बाद इसको रखा गया। नाउ सिंस कार्बन एटम
atomic mass units would be equal to 1 by 12, the mass of carbon, 12 atom. So, definition of the atomic mass unit is considered atomic mass unit is equal to 1 by 12, the mass of the carbon, 12 atom. 1 U, 1 upon 12, mass of carbon, 12 atom. कार्बन का जो एटॉमिक मास कार्बन को कंसीडर कर बनाया गया तो उसको ये बना दिया गया एटॉमिक मास की यूनिट ए एम यू इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन प्लस ए ठीक सो वन एटॉमिक मास यूनिट वन यू आपको एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है ये आपका डिफरेंस है ठीक है द एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द कंपेयरिंग द मास ऑफ द देयर एटम विद द मास ऑफ कार्बन टू जो भी बनाया गया और कार्बन टू से कंपैरिजन करके हर एलिमेंट का एटॉमिक मास रखा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ द एटम्स In compared with the mass of carbon 12, atom taken as 12 units. यानी एक relative mass के term में रखा गया और उसको consider किया और carbon 12, 1/12 में plus 1. इस figure में एक indicate किया गया कि एक magnesium का एक element है. So this is magnesium element, magnesium metal in the form of the river. One atom of magnesium is 24 times heavier than 1/12. of carbon, 12 atom, so atomic mass of magnesium is 24 U. क्योंकि mass का unit क्या होता है? Gram होता है, milligram है, लेकिन हम इस concept में gram नहीं लिखेंगे. बस हम एक term लिख देना U के form में लिख देना. यानी magnesium का जो atomic mass मिला हमारा 24 U के form में लिख देना. ठीक? Gram नहीं लिखना. ठीक है? सब elements कंसीडर देखिए कॉमन एलिमेंट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन होते हैं सबको लर्न कर लेना है इस एलिमेंट को बिल्कुल याद रख लेना है ठीक है हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम आयरन कॉपर ये सब का एटॉमिक मास है ठीक है एटॉमिक मास का स्पाइनल एलिमेंट के एटॉमिक मास ये है तो ये कॉमन एलिमेंट इसको आपको लर्न कर लेना ठीक है एकदम बिल्कुल याद रख और भी एलिमेंट है तो उसके न्यूमेरिकल की वैल्यू आपको दे दी जाती है लेकिन फिर भी ये माइस माना जाता है कि स्टूडेंट जो है मिनिमम इतना जो ये एलिमेंट्स है लर्न करना ठीक है तो ये आपका एटॉमिक मास से रिलेटेड पॉइंट में बताया गया था बिल्कुल इसको लर्न कर लेना फिर आगे के टॉपिक को आगे ठीक है थैंक यू